मैं बताओ, इस वाले ऊँटों की क्या बात खास बात होती है? इन ऊँटों की हाँ ये जो ऊँट है ना हाँ रेतिया खाते क्या हैं, खाते हैं? रेतिया रेत खाते हैं या बर्फ खाते हैं? बर्फ भी खा लेते होंगे, बर्फ नहीं खा खा के बाल हो गए हैं ज्यादा बड़े बड़े इनके। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम खारदुंग विलेज। जब आप खारदुंग चढ़ोगे उससे पहले 14 किलोमीटर पहले, 14 किलोमीटर बोल रहा, 20 या 30 किलोमीटर पहले खारदुंग विलेज आएगा। हम लोगों ने रात में यहीं पे स्टे ले लिया था क्योंकि तो बहुत लेट हो गया था हमारी गाड़ी में के कारण। आज हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हुंडर की तरफ। हुंडर रास्ते में हम लोग को खलसर के बाद डिस्ट्रिक्ट में मोनेस्ट्री और उसके बाद हुंडर जाएंगे। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, ऑल बाइक सेट है। हम लोग बहुत डेली डेली लेट हो जा रहे हैं। क्या ट्रिप सच में रियल एडवेंचर वाला हो रहा है। पर डे कोई ना कोई बाइक में प्रॉब्लम आ ही जा रही है। आज देख लो, आज मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ गया है। इसमें जो टायर में था वो हवा कम हो गई है, ऑटोमेटिकली पता नहीं पंचर ना हो कहीं, पर फिलहाल चल रही है गाड़ी जैसे चलनी चाहिए। और रास्ता भी कुछ ऐसा ही है ऑफ रोडिंग करके। आज हम लोग जा रहे हैं हुंडर, हुंडर से कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उसको निकल के हम लोग पहुँच जाएँ पैंगोंग के लिए। और रास्ता बहुत ख़राब है और गाड़ी में यार दिखते हैं ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही हैं, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है। चलो जैसा भी होगा आप लोग का साथ चाहिए मुझे, इट्स माय फर्स्ट टाइम। और सुमदूर 18 किलोमीटर, मेरे बाइक का भी बबलिंग बहुत ज़्यादा होने लग गया क्योंकि इसमें हवा बहुत कम गया है और ये रिवर बह रही है साथ साथ में। कौन सी रिवर है गाइस पता नहीं है, बता दूंगा मैं कौन सी है पता करके। ओहो हो, देख लो गाइस हैंडल कैसे कांप रहा है मेरे, क्योंकि आगे चक्के में बहुत कम हवा है, लगभग 10 पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओह बस माय गॉड बच गया यार। अभी मैं गाइस बहुत बुरा गिरता आप लोगों ने देखा ही, क्योंकि आगे चक्के में हवा कम है जिसके कारण पूरा हैंडल कांप गया था और थोड़ा ज़्यादा ढलाव आने के कारण कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। शुक्र है मैंने जैसे तैसे इसको कंट्रोल कर लिया, अदरवाइज तो अभी मैं बहुत बुरी तरह गिर जाता। अभी हवा भरा लगता है, पंचर है फिर? तो पंचर लग जाएगा। कौन सा वाला हवा? ये क्या बोले, यहाँ भरा पीछे? नहीं नहीं वो सही है, इधर इधर अभी हवा जब भराया ना मैं तो लगता है शायद पंचर, एक बार चेक कर लीजिए। पंचर है तो पंचर लगा दीजिए। पंचर तो नहीं होगा यार। क्या बोल रहे? पंचर तो नहीं लग रहा है। पंचर नहीं लग रहा है? हवा को देख के अभी भराया ना मैंने हवा इसमें, आप चेक करो तो 35 था शायद। कितना रह गया? इसको पीछे लेके आना पड़ेगा। कैसे, उधर ले जाऊँ? चलो मैं उधर लेके आता हूँ। अच्छा ये लोकेशन कौन सी है? टी पॉइंट डिस्किट के लिए जो टर्न लेता है। डिस्किट के लिए यहाँ से भाई अभी तो बंद है, डिस्किट नहीं जाने दे रहा है। यहाँ से बंद है, यहाँ से आगे से जाना पड़ेगा आपको। अच्छा कम से कम 9-10 किलोमीटर आगे, वहाँ से फिर राइट के लिए लेफ्ट के लिए टर्न होगा। ओके तो बंद क्यों है ये? यहाँ काम चल रहा है ना आगे। अच्छा ठीक है। तो गाइस ये टी पॉइंट है जहाँ से आपको डिस्किट के लिए रास्ता निकलता है। ये सामने जो देखो जो ट्रक आ रहा है ये डिस्किट हुंडर की साइड जाता है और इस साइड जो है खलसर है। इधर 8 देख रहे हो, यहाँ पे स्टूपर है और यहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिल जा रहा है। इस टी पॉइंट पे शायद नया बना होगा, फिर आपको डिस्किट में ही पेट्रोल। आप लद्दाख में पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है, हर जगह पे पेट्रोल मिल जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं इस रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट का नाम क्या है, मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम दिखाता हूँ, दार्जिलिंग रेस्टोरेंट। और इस साइड आपको सभी जो है रेस्टोरेंट दिख रहे होंगे, एक 101 किलोमीटर ढाबा लाइक दिस। और ये 8 स्तूपाज हैं, इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा क्या है। और इस साथ में ही हमारी बाइक का रिपेयर चल रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम उस बाइक में आ रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम इस बाइक में आ रही थी, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं और यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम लोग हुंडर के लिए निकल रहे हैं और अब आपका नुब्रा वैली में स्वागत है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, हेवन रेस्टोरेंट वेलकम टू नुब्रा वैली। हुंडर में जाएंगे, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर होगा। और ये भैया की स्कूटी, एक मिनट रुको, भैया की स्कूटी का मॉडिफिकेशन चेक करो गाइस। पीछे देख रहे हो ये जेरी कैन भी लटका रखा है उन्होंने और फॉग लाइट्स भी लगा रखी हैं, सैडल स्टे भी लगाया है, सैडल कैरियर भी लगाया है, पीछे झंडा, असली मॉडिफिकेशन तो इसको बोलते हैं। और ये भी लगा रखा है मड गार्ड विद। यस इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, अगर आप सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो, बट आपने डेडिकेशन होनी ज़रूरी है। अशोक रिवर को क्रॉस करने वाला ब्रिज है और अशोक रिवर का जो
पानी देख रहे हो एकदम क्लियर क्रिस्टल है इस साइड। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ये देखो पूरा क्लियर क्रिस्टल पानी है भाई शोक रिवर का। ओहो हो, और ये ब्रिज का तो भाई क्या ही कहना है अल्टीमेट। और इधर काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा रोक रखा है, बीच में डैमेज डूमेज हो गया होगा सड़क। व्हाट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप गाइस, सामने ग्रीन पेड़ दिख रहे होंगे अभी छोटे छोटे, उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा वाइट ब्राउन माउंटेन्स, उसके ऊपर छोटे छोटे जो है थोड़े थोड़े बर्फ़ है, और सामने ऊपर भाई क्या खुला आसमान और बादल, बड़ा अल्टीमेट व्यू, दिस इज़ अ ऑसम लैंडस्केप गाइस। यही तो खूबसूरती है भाई लद्दाख की और नुब्रा वैली की। आपको बर्फ़ भी दिखेगा, पहाड़ भी दिखेगा, प्लस बादल भी अच्छे दिखेंगे, प्लस हरियाली भी दिखेगी। टर्न लेते हो तो अभी ये जो लैंड देख रहे हो अभी फ़िलहाल सूखा सूखा दिख रहा है, ये एक्चुअली रिवर है। अगस्त के महीने में इसमें पूरा पानी होता है, लगभग बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आपको देखने को मिलती हैं। अभी सारा सूखा सूखा है ये, यहाँ पे अगस्त में आने से भैया रियल वाला एडवेंचर होता है स्टार्ट। अभी तो नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं है। पर ये शोक रिवर है और जितना एरिया अब हम लोग कवर करके आए ना ये सारा शोक रिवर, और ये लोहे का ब्रिज है। अमूमन अगस्त के टाइम में यहाँ पे बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, पानी होता है और बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग हम लोग को क्रॉस करनी पड़ती हैं। बट अभी फ़िलहाल सब कुछ सूखा सूखा है, हल्का फुल्का है जहाँ पे ब्रिज बना दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन शॉट वगैरह लिया जाए लगता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो गाइज हमारी बाइक के सभी पार्क हो चुके हैं शोक रिवर के किनारे। भैया कैसा लग रहा है ये नज़ारा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया, मजा नहीं लगा, मजा आया। आपने एक्सपेक्ट करा था कि ऐसा भी होगा? हाँ किया था। गाइज अमूमन पता क्या होता है यहाँ पे, हम जहाँ हम लोग क्रॉस करके आए ना अगस्त के महीने जून जुलाई के महीने में जब बर्फ़ पिघलती है ये पानी का रिवर बहुत बढ़ जाता है, जहाँ तहाँ से पानी निकलता है वाटर क्रॉसिंग में आता तब वो रियल एडवेंचर होता है। अभी हम लोग नॉर्मल चला के आ रहे हैं। द शोक रिवर आप देख सकते हो खूबसूरती नुब्रा वैली की, और इधर राजू भाई मेरा लगा फुल फोटो शूट करने में, ये देख सकते हो। कर भाई कर, अच्छे से कर, लूंगा। जून जुलाई के अगस्त में जब बर्फ़ पिघलती है ज़्यादा तेजी से पूरा वाटर तुम लोग फंसता, हम लोग भी फंसते, एक आधा गिरता भी साला, पूरा पानी होता है। देखा ना यूट्यूब पे वीडियो, यहीं पे होता है। हाँ भाई मज़ा आ रहा है ना, प्रॉपर ऑफ रोडिंग करी आज, एक नंबर ना। चल बस, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं डिस्किट, अभी जा रहे हैं डिस्किट की मोनेस्ट्री देखने के लिए। अब स्वागत है गाइस आपका डिस्किट में, वो सामने ऊपर दिख रही है आपको डिस्किट मोनेस्ट्री, और ये दिख रहा है सर ऊपर स्टैचू के पास जाना है। टिकट चेंज होगा नहीं हमारे पास है 50 है। इस साइड जाना है? हाँ इस साइड जाना। तो गाइस इधर लगता है टिकट 40 रुपए करके एक पर्सन का, तो अभी ऊपर जाते हैं रिजॉर्ट का। इस तरफ मोनेस्ट्री के लिए आप चल जाओगे, इस तरफ जो है
आप स्टैचू के लिए जाओगे। स्टैचू के लिए जाना किधर से है यार? क्या हुआ क्या हुआ? घर जाना है? तो भाई गाई लोग इन लोग को अब घर की याद आने लग गई है 10 दिन बाहर रहने के बाद। याद नहीं आ रही, तुम जैसे भूखा चूहा जैसे है ना भाई, इसीलिए आपको घर इन अच्छे नहीं जा रहे। अच्छा यहां आके कुछ हुआ? झूठ मुंह को इतना दूर से जो घूम के आए कुछ आए हुआ क्या? अरे ऊंट कहां है जे पता चले? ऊंट उधर है नीचे, चलो सही। अरे हमें नहीं जाना ऊंट के पास। अरे नहीं उधर वो नहीं है, साफ है। अरे हमें साफ सूफ हमें जाना ही नहीं है ऊंट के पास। चलो चलो तो गाइस इन लोग की टाटा बाय बाय हो गई है। मनस्टी के पास आके भी कह रहा मनस्टी नहीं जाना है। चलो भाई। तो गाइस ये तो देख रहे हो पूरा रेगिस्तान जैसा माहौल है, अभी पहाड़ों में रेगिस्तान। अरे भाई साहब सैंड ड्यून्स सुंदर, पहाड़ पे भी रेगिस्तान। इस साइड पहाड़, इस साइड पहाड़ है पत्थर वाला और इस साइड रेगिस्तान है पत्थर वाला। पहाड़ देख लिया उन्हें, पहाड़ भी देख लिया, बर्फ भी देख लिया, रेगिस्तान देख ले। यहाँ गाड़ी भी चलो एक रामे पांच समझ नहीं चला है गाड़ी चले मी गड़िया तो गनी। डेजर्ट विश कैंप, वाह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू गाइस, चेक करो एक बार, चेक करो सबरी ब्लॉगरों की तरह चेक करो गाइस व्हाट अ ब्यूटीफुल। यहीं पे घोड़े दौड़ते हैं, अभी हरियाली नहीं है, ये एक्चुअली हरा हो जाता है अगस्त से जून जुलाई के बाद जब बर्फ़ गिरने स्टार्ट होते हैं, ये सारा हरा होता है, घोड़े दौड़ते हैं। शॉट यहाँ से क्या मस्त शॉट आता है गाइस, और दूर से शॉट लिया जाए ना तो मज़ा आएगा। अभी हम जाएँ कैमल देखने। यहाँ के कैमल्स की एक जरूर बात है जो मैं आपको दिखा के फिर बताऊँगा। गाइस बंदे पहली बार देखे बर्फ वाला रेगिस्तान देख रहे हैं फिर भी बोलता है मन उब गया भाई। भाई मन उब गया भाई, मजाक होने से रिएक्शन देता भाई। माँ का गाली है सुनना है मेरे को, घर जाना घर जाना तो क्या घर जाना है? घर जाना है सबको, कोई घर ले जाओ यार। तो गाइस चलो चलते हैं, ऊंट देख के आते हैं पहले तो चलो। मैं बताओ इस वाले ऊंटों की क्या बात खास बात होती है? इन ऊंटों की हाँ ये जो ऊंट है ना हाँ रेतिया खाते हैं। क्या खाते हैं? रेतिया। रेत खाते हैं या बर्फ खाते हैं? बर्फ भी खा लेते होंगे। नहीं आगे बाल हो गए हैं और बड़े। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या खास बात है इन ऊँटों की। हम लोग सिर्फ इन ऊँटों को देखने के लिए इतनी दूर आए थे और रेगिस्तान के रेगिस्तान जैसा माहौल देखने आए थे पहाड़ों के बीचों बीच। ये रहे वो ऊँट, स्पेशल एंड यूनिक ऊँट। कैमल राइड, हाउ मच जूले फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ व्हाट्स योर नेम सर? जूले। अब आपको कभी नहीं भूले। ना ओके सर, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योर? एक बंदे का 500। एक बंदे का 500? हाँ सर। अगर सभी बंदे लेगा तो कितना? यही होता है सर। नहीं नहीं सर, फिर भी यही होता है। कितना दूर तक लेके जाएगा? हम लोग 10 भी है तो इतना भी होता है सर। कितना देर तक लेके जाएगा? उधर फ्लैग है ना सर, इधर आ जाओ। किधर फ्लैग? वो फ्लैग तक। अच्छा वो जो झूल रहा है
उसमें बैठा के मजा आएगा और क्या, बहुत मजा आएगा। कहाँ फ्लैग? वहाँ जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। क्या तो गाइस ये रहे वो ऊंट जिनको देखें, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इसके दो हॉर्न है। हॉर्न मतलब वो पीठ से जो ऊपर उठी होती है ना, वो दो हैं। एक दो देख रहे हो, और इनमें बाल देखो कितने हैं। अरे बछड़ा दूध पी रहा है भाई, माँ का अपनी। तो गाइस यही है कि पहाड़ वाले ऊंटो, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं आपको अभी उससे मिलाता हूँ, क्या नाम है उसका। बैठे रहो डरना नहीं। हाँ भाई क्या हाल है कुकू भाई, नहीं बैठाएगा हमको, ठीक है। नहीं नहीं हाथ नहीं मारेगा कुकू भाई, ठीक है। हाँ कुकू भाई रेस्ट कर रहे हैं, देखो कान में नथनी पहना हुआ है तार का लगा के, कुकू भाई मेरा। इस पर बैठ सकते हो आप, सफारी कर सकते हो। फिलहाल चलिए चलते हैं, यही है रेगिस्तान यार। गन शॉट भी होता है। वो एक भाई आ रहा है देखो, उधर दौड़ चलता चलता। ये इधर उठो के मालिक बैठे, क्या हाल है मालिक जी? ठीक ठाक। सॉरी भाई जी। हाँ ये भी मालिक छुपा लिया, सभी शर्मा ही गया भाई। को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई ने खुद ही बोल दिया। बाद, बाद, बाद। भाई आपका इंस्टा आईडी क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद काजमी। इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है ना सर? लगाओ फॉलो करो, हम तुमको डालेगा अभी। ये लो ये लो, खोलो इसको, खोल, सबको फॉलो करो, बस कैमरा ऊपर करो, बस कैमरा चालू चालू है मेरे भाई। ये दिखा इधर, भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी इंस्टा आईडी में फॉलो करो, अभी स्टोरी डालेंगे इसको। चलो हेलो तो बे करो सर, ठीक है ना। थोड़ा मेरे मालिक को, ये मालिक आपसे कुछ बात करेगा सर। थोड़ा ये कैमरा कहां से आया, कहां से नहीं आया, ये सब डिटेल बताएगा। बताओ भैया ये उठ कहां से आए? ये मंगोलिया से। अरे सही बताओ यार। सच में आया था सर, मंगोलिया से आया वो तो। अच्छा इधर, हाँ इधर ही लाया ना मंगोलिया से। इसकी ऊंटों की खास बात क्या है? क्या सर इन ऊँटों की खास बात क्या है? खास बात ये, इनको डबल हम है। ये सिर्फ इंडिया में, इधर ही नुब्रा वैली में, और कहीं जगह पे नहीं। अच्छा इंटरव्यू तो आप देते हो भैया? ये जो ऊँट है ना, ये सिर्फ ये इसी जगह नुब्रा वैली में पाया जाता है, और ये कहीं नहीं पाया जाता है। इसे वर्ल्ड में क्या, वर्ल्ड में दो ही जगह पे पाया जाता है। का का? एक मंगोलिया में और एक नुब्रा वैली में। अच्छा मंगोलिया से ऊंट मंगाया सारा? हाँ पहले इधर सिल्क रूट चलता था ना। अच्छा सिल्क रूट, फिर उस टाइम इधर ऊंट आया था, रख के गए, फिर पॉपुलेशन। सिल्क रूट कितना दूर है यहाँ से? तो बहुत दूर है ना सर, चाइना का बॉर्डर तो पास में है ना। हाँ इसलिए पहले जमाने में सिल्क रूट चलता था ना इधर से। अच्छा ट्रेड के लिए? हाँ ट्रेड के लिए। फिर ये पॉपुलेशन बढ़ गया ना, एक फीमेल और एक मेल रहा तो पॉपुलेशन बढ़ गया ना। चलिए बढ़िया है भैया, थैंक यू यार इतना बताने के लिए कि मंगोलिया से आई है। भाई को लाइक करो, शेयर करो। गाइस बहुत घूम लिया पहाड़, बहुत देख लिया रेगिस्तान पहाड़ का, बहुत देख लिया। अभी लग रहा है बहुत जोर से भूख, तो हम लोग अभी खाना खाने के रुके हैं। और चेहरे का पूरा 10 दिन में बैंड बच चुका है अच्छी तरीके, मेरा अकेले का नहीं सबका, जितने लड़ रहे थे। तो आपको मैं अभी सबसे दिखा देता हूँ, हम लोग यहाँ लंच करने के लिए रुके हैं चू कैफे करके डिस्किट में, वहाँ पे देखा शक्ल भाई, शक्ल का ना ये देख रहे हो शक्ल कैसा हो चुका है, सबका 12 बजा हुआ है। और यहाँ से ये देखो बिरयानी चल रही है इधर, और यहाँ सामने पीछे व्यू देखो, ऐसे व्यू में और बिरयानी क्या ही कहने, अल्टीमेट व्यू का जो जो बिरयानी का स्वाद है वो और बढ़ जाता है भाई उस व्यू को देख के। कैसा है भैया बिरयानी? 1200 रुपये प्लेट है, अच्छा तो हो गई। तो ठीक है गाइस, ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं।